गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास सेकेंड। इन प्रीवियस वीडियोज वी हैव डन टिल चैप्टर 4। टुडे वी विल डू चैप्टर 5, डिवीज़न। नाउ आई विल टेल यू व्हाट इज़ द डिवीज़न। डिवीज़न मीन्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर। कोई भी नंबर अगर आपको दे रखा है उसको किसी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना, इट इज़ कॉल्ड डिवीज़न। ओके, नाउ सी इन द चैप्टर, देर आर 12 रसगुल्लास। कितने रसगुल्ला हैं यहाँ पे? 12 रसगुल्लास हैं। वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इट इन 3 प्लेट्स। वी हैव टू कीप इट इन 3 प्लेट्स। इनको हमें 3 प्लेट्स में रखना है। नाउ सी देयर इज, दीज आर द रसगुल्लास। ये क्या है? रसगुल्ला है। अब आपको इसको 3 प्लेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना। नाउ वी हैव टू कीप दैम इन 3 बाउल्स। तो सबसे पहले एक रसगुल्ला यहाँ डाला, इसमें भी डाला, इसमें भी डाला। 3 इसमें कम हो गए तो 3 कम कर दीजिए। आफ्टर दैट फिर अगेन 1, 2, 3 और कम कर दीजिए। नाउ 3 मोर, 1, 2, 3 और कम कर दीजिए। अब नाउ वी आर हैविंग ओनली 3 रसगुल्लास, 3 है, फिर 1, 2, 3। तो देखिए हर एक बाउल में कितने, अब यहाँ से खाली हो गया तो ये हर एक बाउल में कितने कितने रसगुल्लास हो गए बेटा? 4। तो ये क्या कहलाता है? डिवीज़न कहलाता है। किसी भी चीज़ को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना, इट इज़ कॉल्ड डिवीज़न। ओके, नाउ सी इन योर बुक, देर आर 12 टॉफीज़। 12 टॉफीज़ हैं, इनको 3 बॉयज़ में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो वन बाय वन हम सबको देंगे। 1 टॉफी इसको दी, फिर इसको दी, फिर इसको दी, फिर नेक्स्ट 1, 1, 1। तो हर एक को कितनी टॉफीज़ मिली बेटा? 4 टॉफीज़ मिली। तो इस तरह से हम सारे डिवीज़न करेंगे। 9 है, कितने पॉट्स में डालने हैं बेटा फ्लावर्स? 3 पॉट्स में डालने हैं। तो 3 को 9 से डिवाइड करा, 3, 3 जा 9। तो हर एक पॉट में कितने फ्लावर्स होंगे? 3 फ्लावर्स होंगे। ऐसे ही आपके एप्पल्स हैं, 12 एप्पल्स हैं, इनको 4 प्लेट्स में हमें डालना है। तो हाउ मैनी एप्पल्स देयर आर इन ईच प्लेट? हर एक प्लेट में कितने एप्पल होंगे? 12 डिवाइडेड बाय 3। तो हमने देखा, सॉरी 4 12 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि हमारी जितनी प्लेट्स हैं उससे डिवाइड करेंगे। तो हमारी प्लेट्स कितनी है? 4 हैं, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12। तो हर एक प्लेट में कितने कितने एप्पल्स आएंगे? 3 एप्पल्स आएंगे। ओके, नाउ सी इन दिस क्वेश्चन, डिवीज़न यूजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल्स। जो हमारी टेबल्स हैं वो डिवीज़न से रिलेटेड है बेटा। देखिए जैसे हम 8 4 जा 32 होता है, व्हेन वी विल डिवाइड 32 बाय 4। अगर हम 4 को 32 से डिवाइड करते हैं, व्हाट विल बी द क्विसेंट? इट विल बी 8। इफ वी विल डिवाइड 32 बाय 8, द क्विसेंट विल बी 4। ओके, नाउ सी देयर देयर इज डिविडेंड इज 32 एंड डिवाइजर, लेट मी टेक, नाउ आई एम टेकिंग डिवीजर इज 4 एंड व्हाट विल बी द क्विसेंट? हाउ मैनी टाइम 32 विल कम इन टेबल ऑफ 4? 4 8 टाइम 4 8 जा, नाउ 8 विल बी कॉल्ड क्विसेंट। ओके, नाउ सी इन दिस, 2 मल्टीप्लाई 8 इक्वल्स टू 16। द प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड 8 इज 16, यानी 2 एंड 8 को मल्टीप्लाई करके 16 आता है। नाउ द आंसर विल बी कॉल्ड डिविडेंड एंड वन नंबर इज कॉल्ड डिवाइजर एंड द आंसर अदर नंबर इज कॉल्ड क्विसेंट। ओके, व्हेन यू विल डिवाइड 16 बाय 2, द आंसर विल बी 8, तो इट इज कॉल्ड क्विसेंट। एंड इफ यू विल डिवाइड 16 बाय 8, द आंसर 2 विल कॉल्ड क्विसेंट। ओके, नाउ सी इन दिस, 16 डिवाइडेड बाय 2, द आंसर इज 8, इट इज क्विसेंट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सी, 6 मल्टीप्लाई 6 6 36, द आंसर इज 36 एंड इट इज कॉल्ड डिविडेंड एंड वन इज कॉल्ड डिवाइजर एंड अदर इज कॉल्ड क्विसेंट। नाउ सी इन योर बुक, पेज नंबर 76, 9 मल्टीप्लाई 3, द आंसर इज 27। ओके, नाउ इस 27 इज कॉल्ड डिविडेंड, डिविडेंड एंड 9 इज कॉल्ड डिवाइजर एंड 3 इज कॉल्ड क्विसेंट। नाउ इन अदर नंबर, 6 मल्टीप्लाई 9 इज 54, 54 इज डिविडेंड, सी हियर, एंड 6 इज डिवाइजर एंड 9 इज क्वेश्चन। ओके, नाउ वी विल डू लॉन्ग डिवीजन मेथड। हाउ टू डू बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, हम लॉन्ग डिवीजन से हम कैसे डिवाइड करते हैं? ओके, वी हैव टू रीड द टेबल
सबसे पहले हमें टेबल याद होनी चाहिए, वी हैव टू लर्न द टेबल। अगर आप लोगों को टेबल लर्न नहीं होगी तो आपको डिवीजन में प्रॉब्लम होगी, ओके। तो सबको टेबल लर्न होनी चाहिए। नाउ दिस वन वी हैव टू डू बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। फर्स्ट यू हैव टू टेल मी व्हाट इज़ द डिवाइजर एंड व्हाट इज़ द डिविडेंड। इनसाइड नंबर इज़ कॉल्ड डिविडेंड एंड हु विच नंबर वी आर डिवाइडिंग इट इज़ कॉल्ड डिवाइजर, ओके। नाउ वी हैव टू रीड द टेबल ऑफ डिवाइजर। हमें किसकी टेबल पढ़नी है, विच इज़ द डिवाइजर, जो डिवाइजर है उसकी हमें टेबल पढ़नी है। नाउ वी हैव टू रीड द टेबल ऑफ थ्री। आई एम राइटिंग हियर टेबल एंड यू हैव टू सी हाउ मैनी टाइम 27 विल कम। इफ़ यू हैव लर्न सो यू कैन डू ईजीली, ओके। नाउ सी इन दिस टेबल 27 विल कम 9 टाइम। इफ़ यू नो तो यू देर इज़ नो नीड टू राइट द टेबल, बट दोज डोंट नो, बट लेकिन जिन बच्चों को पता नहीं है उनको टेबल रीड करनी पड़ेगी। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 हाउ मैनी टाइम 27 हैज़ कम 9 टाइम। सो यू हैव टू राइट 9 हियर एंड 27 डाउन साइड ऑफ 27 के नीचे हम 27 लिखेंगे। देन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट बोथ द नंबर्स। इन दोनों को नंबरों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन क्रॉस इज देयर, ओके। या जीरो, यू कैन राइट जीरो ऑल्सो। 27 माइनस 27 इक्वल्स टू जीरो। नाउ द 9 इज कॉल्ड क्वेशेंट, ओके। व्हाट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड क्वेश्चन। नाउ बी क्वेश्चन, आई एम राइटिंग द क्वेश्चन नंबर बी इन योर बुक, पेज नंबर 76 इन योर बुक। सी द क्वेश्चन नंबर बी, 25 डिवाइडेड बाय 5। नाउ रीड द टेबल ऑफ 5। अब हमें 5 की टेबल रीड करनी। नाउ सी इन दिस टेबल 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25। हाउ मैनी टाइम 25 हैज़ कम 5 टाइम। सो यू हैव टू राइट हियर 5 एंड 25, 5 5 20 5, देन सब्ट्रैक्ट इट, देयर विल बी 0, ओके। नाउ सी इन दिस क्वेश्चन, 4 इज डिवाइजर एंड 24 इज डिविडेंड। नाउ वी हैव टू फाइंड द क्वेश्चन। नाउ रीड द टेबल ऑफ 4, 24 हाउ मेनी टाइम हैज कम, काउंट हियर 1 2 3 4 5 6, 4 6 आर। इफ यू नो द टेबल तो यू कैन राइट डायरेक्टली, देर इज़ नो नीड टू राइट द टेबल, ओके। अगर आपको आता है तो टेबल लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे 4 की टेबल पढ़िए, 4 6 24, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे 6 टाइम 6 जा, 4 जा होगा तो 4 लिखेंगे, 6 जा होगा तो 6 लिखेंगे, 9 जा होगा तो 9 लिखेंगे, ओके। नाउ द क्वेश्चन इज 6, ओके। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर एफ, सी के बाद डी ई, यू कैन डू योर सेल्फ। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर एफ। नाउ वी हैव टू रीड द टेबल ऑफ 7, इट इज़ द डिवाइजर। ऑलवेज यू हैव टू आपको हमेशा जो डिवाइजर है उसकी टेबल पढ़नी होती है, ठीक है। नाउ सी द टेबल, देयर 24 28, देयर इज 28, ओके। नाउ रीड द टेबल ऑफ 7, 7 4 जा 28, कितने टाइम आया, 4 टाइम, 4 जा का मीन्स 4 लिखना है, 4 टाइम लिखना है, 28, देयर विल बी माइनस साइन एंड 0 इज देयर, ओके। नाउ दिस वी हैव टू डू लाइक दिस डिवाइड, इट इज इन ऑल द चैप्टर, इन होल द चैप्टर देयर इज सेम मेथड यू हैव टू यूज एंड यू हैव टू डू योर सेल्फ, ओके। इस तरह से आपको करना है। तो नाउ आवर चैप्टर 5th हैज़ बीन कम्प्लीटेड, ओके। हैव अ गुड डे बेटा।